नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के बारे में। जी हाँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी नोटिस चल रहा है कि फ्री स्कूटी योजना क्या है। इसमें थोड़े समय पहले मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी ज़्यादा सवाल आ रहे थे इसके, तो मुझे लगा कि इसका वीडियो बना ही देना चाहिए। तो बिल्कुल इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ सवाल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमेशा होते हैं हमारे, कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिस हो तो क्या होता है। नोटिस से रिलेटेड कोई वीडियो तो उसमें क्या क्या सवाल आपके विद्यार्थियों के हो सकते हैं, उन सभी सवालों को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में आपके जवाब मिलते हैं। तो पहले सबसे पहले कंडीशन क्या रहने वाली है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म कब से चालू है, कहाँ से भरे फॉर्म, आयु सीमा क्या रहने वाली है, स्कूटी जो मिलेंगी वो कितनी संख्या में मिलेंगे, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। बिल्कुल इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलें, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, आपको और भी चीज़ें, यानी कि एक तो स्कूटी का फॉरम ये है, आने वाले समय में और कौन कौन सी स्कूटी का फॉरम आप लगा सकते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बात करते हैं राजस्थान की एक स्कूटी योजना, फ्री स्कूटी योजना 2022-23 की। आज जिस स्कूटी योजना की बात करने वाला हूं उसका नाम क्या है, सबसे पहले जो उसकी शर्त है वो कौन सी है, दिव्यांग जनों के लिए यह स्कूटी फ्री स्कूटी योजना है। यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं, आप निःशक्तता है 50%, यानी ध्यान रखेंगे सबसे पहली शर्त इसमें क्या है, आप विकलांग है और आपका जो सर्टिफिकेट होता है विकलांग सर्टिफिकेट, वो 50% आपका उसमें होना चाहिए, जो आपको सर्टिफाइड करता है कि आप 50% तो कम से कम विकलांग हैं। तो उसके बाद में ही आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे, उस फॉर्म में मेंशन होना चाहिए। तो ध्यान रखें, अब इसके फॉर्म कब से चालू हैं, फॉर्म की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन यह फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान रखें, जो भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो विकलांग हैं वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, जो विकलांग हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ध्यान रखें, फॉरम कब से चालू हैं इसकी फॉरम चालू है और इसकी अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2022। इसकी अंतिम तिथि है, आपको फॉरम लगाना है अगर आप विकलांग हैं और 50% आप विकलांग हैं। ध्यान रखिए, कहाँ से फॉरम भरना है, वही बात मैं बता रहा हूँ। राजस्थान सरकार की कोई भी योजना होती है, फ्री की हो चाहे कैसी भी योजना हो, तो लगभग आजकल फॉरम SSO ID से भरे जाते हैं। सरकार की जितनी भी योजना है SSO ID के माध्यम से भरा जाता है। SSO ID पे जाएंगे तो वहाँ पे एक पोर्टल मिलेगा फ्री स्कूटी का, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है, वहाँ से सारी डिटेल्स आप देख भी सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन आपको साइट पे मिल जाएगा, जो समाज कल्याण, जो यहाँ पे समाज न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो नोटिस है वहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर सारा नोटिस हमें दिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, अब इसमें आयु सीमा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें काफ़ी सवाल है आयु सीमा को लेकर, काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आयु सीमा में एक चीज़ बताया गया है कि 18 से 29 वर्ष के विद्यार्थियों को तो ये मिलने वाली है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक आयु सीमा का ऑप्शन और दिया है कि 45 वर्ष। देखो यहाँ पे पहले क्या होता था, 2022 तक जो मिली उसमें क्या था कि आपको 2000 स्कूटी ही मिलती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर संख्या कर दी इसकी, 5000 स्कूटियाँ यहाँ पे कर दी गई है कि 5000 स्कूटी आपको मिलेंगी। ध्यान रखें, अब जो 5000 स्कूटी मिलेंगी उसमें आयु सीमा है 18 से 29 वर्ष, लेकिन अब 18 से 29 वर्ष तक संख्या 5000 नहीं हुई तो क्या होगा कि 45 वर्ष वालों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो 45 वर्ष वालों को तो क्या है कि लक पे डिपेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, कि उनका लक होगा तो ही उनको मिलेगी, लेकिन आपको फॉर्म तो लगाना है, क्या पता यहाँ पे फॉर्म लगाएं नहीं, काफ़ी लोग इसके बारे में पता ही ना हो, तो आपको यहाँ पे 45 वर्ष तक के विकलांग भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। बिल्कुल 18 से 29 वर्ष की योजना है, 18 से 29 तक तो मिलेगी, 45 वालों का डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें खाली हैं, यानी 5000 जो स्कूटी मिलेंगी तो उस हिसाब से कितनी खाली हैं, कितने तक की मिल गई, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ध्यान रखें, इसमें परसेंटेज जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको क्राइटेरिया ये है कि आपका दिव्यांगजन यानी कि आप विकलांग होने चाहिए 50%, आपका सबसे मेन क्राइटेरिया यही है। स्कूटियों की संख्या मैंने आपको बता दी है, 5000 स्कूटी इस बार मिलने वाली है, 2000 थी पहले संख्या लेकिन इस बार 5000 मिलेंगी। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका है कि राजस्थान के मूल निवासी, आपके पास मूल निवास होना चाहिए, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, इसके बाद में आपको क्या चाहिएगा, आधार कार्ड, आपका जो मार्कशीट होते हैं, एक आयु प्रमाण पत्र और बनता है। आयु प्रमाण पत्र क्या आता है कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ना कि मेरा एडमिशन है इस कॉलेज के लिए, तो वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, उसमें बनता है वो आयु प्रमाण पत्र, जिसको अधिनियत प्रमाण पत्र भी यहाँ पे कहा जा रहा है, इस नोटिस में भी आप देख सकते हैं ऐसा कहा गया है, तो वो भी आपको चाहिएगा यहाँ पे। दूसरा बात करूँ,
इसके बारे में, इसके बाद में क्या आएगा, एक ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस अब उसी को मिला जिसको नॉलेज है स्कूटी चलाने का, उसी को स्कूटी मिलेगी। आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बनवाना अनिवार्य है, तो ही आप फॉर्म लगाएं अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए नहीं। ये निःशक्तता प्रमाण पत्र, इसको हम कहते हैं कि आप विकलांग हैं, तो ये आपका प्रमाण पत्र तो आएगा आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मिले हैं, नोटिस में भी आप देख सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और भी आपको देखना है तो आप SSO ID से जो फ्री स्कूटी योजना का है स्कूल पोर्टल, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। इस सत्र 2022-23 में आने वाले समय में बहुत सी ऐसी स्कूटी योजनाएं आएंगी जिनके आप फॉर्म लगा सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत सी स्कूटी योजनाएं जिनको आप बता देता हूं मैं यहां पे, मेधावी छात्र स्कूटी योजना हो गई, कालीबाई स्कूटी योजना होगी, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना होगी, तो बहुत सी ऐसी स्कूटी योजना है जिनके बारे में आपको जैसे ही नोटिस आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, सभी आप यहाँ पे फॉर्म लगा पाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे स्कूटी मिलती है बिल्कुल, यहाँ पे मेधावी छात्राओं को भी स्कूटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के विद्यार्थियों को मिले, यहाँ पे सभी जाति के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूटी रहती है, तो उन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी जाएंगी। और भी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सभी के बारे में डिटेल्स आने वाले समय में मिलेंगी। तो ध्यान रखें आप आने वाले समय के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट करेंगे आप कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं छात्रवृत्ति की, कौन सी छात्रवृत्ति के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जो आपकी योजनाएं होती हैं जैसे फ्री स्कूटी की योजना है, और भी जैसे कल मैंने एक छात्रवृत्ति का वीडियो डाला मैंने आपको आपके लिए, तो आने वाले समय में और कौन कौन से वीडियो आपको चाहिए, जो आपको भी जानकारी है मुझे वीडियो बनाना है उनके लिए, तो आप बताएंगे, उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको वीडियो बना दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे वीडियो मिले इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इससे संबंधित कोई सवाल है तो चैनल पर कमेंट करें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल जहां पर आपको एजुकेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स, डेली अपडेट्स आपको मिले, इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ध्यान रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।